नमस्कार दोस्तों, शुभमन गिल टीम इंडिया के अच्छे प्लेयर की लिस्ट में शामिल है। उन्होंने वनडे और टी20 के साथ साथ है टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन शुभमन पिछले कुछ मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए। वे दक्षिण अफ्रीका के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी फ्लॉप हुए। शुभमन गिल पिछली 11 टेस्ट पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए। वे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट की दूसरी पारी में 0 पर ही आउट हो गए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया अभी भी उनको मौके देगी। शुभमन गिल ने टेस्ट में आखिरी बारी पारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में खेली थी। उन्होंने मार्च 2023 में खेले गए मुकाबले की एक पारी में 128 रन बनाए थे। इसके बाद हुए ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, यहां 13 और 18 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैदान पर उतरे, इसमें भी वे फ्लॉप रहे। शुभमन सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक पारी में 2 रन और दूसरी पारी में 26 रन बनाकर आउट हुए। केप टाउन में भी कुछ खास नहीं किया। भारत ने हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 436 रन बनाए। इस दौरान शुभमन गिल नंबर 3 पर बैटिंग करने आए। वे इस पारी में 66 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन बनाकर चलते बने। शुभमन गिल ने इस पारी में 2 चौके लगाए, वहीं दूसरी पारी में खाता तक नहीं खोल सके। वे 2 गेंद खेलकर आउट हो गए। भारत ने इस पारी में 202 रन बनाए। शुभमन लगातार टेस्ट में फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया आने वाले मैचों में उन्हें फिर से मौका दे सकती है। डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे टीम इंडिया के दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका मिलना मुश्किल लग रहा है।